वो बिना किसी चेतावनी के आधमका और किसी आग की तरह फैल गया। पर आज भी किसी को पता नहीं कि वो कहां से आया। 2019 में आया नोवल कोरोना वायरस काफी अलग था, क्योंकि वो बड़ी आसानी से हमारे बीच फैल रहा था और बहुत तेजी से भी। वुहान में खोजा गया वो पहला केस था, जो पिछले साल चाइना के होबे प्रोविंस की राजधानी में मिला था। वायरस से अब तक 1200 लोगों की मौत और दुनिया भर में 45,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और ये गिनती तेजी से बढ़ रही है। हर एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित हुआ है, उसे देख के ऐसा ही लगता है कि इसके पीछे 3 से 4 और लोग संक्रमित हुए होंगे। चाइनीज न्यू ईयर का पहला दिन काफी गड़बड़ी वाला था। दूर दूर से काफी लोग आए हुए थे और वो काफी परेशान थे। वुहान और आस पड़ोस के शहरों से सारी आवाजाही बंद कर दी गई है, वायरस को फैलने से रोकने की जोरदार कोशिश के तहत। कुछ 6 करोड़ निवासियों को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। मैं बस रो रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। महामारी जरूर बहुत बढ़ गई होगी, जिससे वुहान शहर को बंद कर दिया गया। ये नोवेल कोरोना वायरस असल में है क्या? क्या इस बेहद संक्रामक बीमारी को रोका जा सकता है? वुहान पर जैसे डर के बादल छाए थे। वो चाइना के हुबे प्रोविंस की राजधानी है और 1,10,00,000 लोगों का घर। कई लोग पूछ रहे थे, क्या वो भी इसका शिकार होंगे? अगर जवाब हाँ है तो कब? वो अपनों को खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस रहस्यमय और जानलेवा वायरस ने शहर में जैसे हाहाकार मचा दिया था। कोरोना वायरस ने मात्र 2 महीने के भीतर 1200 लोगों की जानें ली हैं। इस बीमारी से हजारों लोग प्रभावित हो गए, बहुत तेजी से और काफी संख्या में, और यही बात इस भयानक महामारी के डर को बढ़ा देती है। 2019 का नोवेल कोरोना वायरस बिल्कुल अलग है, हमें सार्स को तो पता है, और सच कहें तो हमने सार्स को दुनिया भर में 6 से 9 महीनों में काबू कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप संख्या देखें तो कुछ 8,000 से 10,000 लोग प्रभावित हुए होंगे और उससे निपटने में कई महीने लग गए। पर अगर हम 2019 के नोवेल कोरोना वायरस की तरफ देखें तो हमें नजर आता है कि बहुत से आंकड़े जल्दी जल्दी सामने आ रहे हैं, वो भी बस 1 महीने में। ये सभी दिसंबर 2019 के सर्दी के मौसम में शुरू हुआ। सन्नाटा और मौत का माहौल सारे वुहान शहर को चपेट में लेने वाला था, जिसका कारण एक अनजान बीमारी थी, जिसके कारण कुछ मुट्ठी भर बीमार हुए थे, बुखार और खांसी जैसे लक्षणों के साथ। वुहान में शुरुआत बड़ी ही अजीब तरह की बीमारी से हुई, और क्लिनिकल टॉप कंडीशंस के मुताबिक हम इसे अटिपिकल वायरल या अटिपिकल निमोनिया भी कहते हैं। हमारे पास जब कोई मरीज बुखार या खांसी, हाथ पैर में दर्द जैसे सामान्य लक्षण लेकर आता है तो वो लगभग फ्लू जैसी बीमारी लगती है। पर आपको पता चल जाता है क्योंकि कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि छाती के एक्सरे में वो नजर आती है। इन्फ्लुएंजा के लिए किए गए सारे परीक्षण या किसी और विषाणु के परीक्षण नेगेटिव आते हैं, और फिर बहुत लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं, और देखा गया है कि सब में ये लक्षण दिखाई देते हैं। चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज को इस किस्म का पहला मरीज पिछले साल 8 दिसंबर को मिला था, जिसमें यही लक्षण मौजूद थे। संक्रमण के छोटे आंकड़े देखते ही देखते बड़ी संख्या में तब्दील हो गए। कहा जाता है शुरुआत में पाए गए 2 मरीज वुहान के फिश होलसेल मार्केट में काम करते थे। ये सबकी नजरों में तब आया जब सामान्य लगने वाले लक्षणों के कारण पहले मरीज की जान गई। 9 जनवरी 2020 को एक खतरनाक वायरस के कारण 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जो इस मार्केट में हमेशा खरीदारी के लिए आया करते थे।
शुरुआती जांच से पता चला कि उनके पास जितने पेशेंट्स आए थे उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स मार्केट के उस खास हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे जहां वन्य जीवों का व्यापार चलता था। और फिर देखने पर यह भी लगता है कि जैसे ये दूसरे वन्य जीवों से निकलकर किसी और प्रजाति में फैला होगा, पर कौन सी ये नहीं पता, क्योंकि इन सभी जीवों को एक ही पिंजरे में रखा जाता है और फिर इन्हें अच्छा मौका मिल जाता है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तक जाने का, और फिर वहां से निकलकर एक तरह से कहें तो जैसे जानवरों की प्रजातियों से इंसानों में आ जाते हैं। चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वुहान में फैले इस खतरनाक वायरस के बारे में 31 दिसंबर को आगाह कर दिया। 29 जनवरी को जब तक WHO इस वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी करार दे देता, तब तक ये वायरस चाइना के 31 प्रोविंसेस में फैल चुका था और एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 20 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका था। जब आपको इसके बारे में पता चलता है और इसे देखते हैं तो लगता है जैसे ये पहले हो चुका है। ये वाकई में बिल्कुल सास जैसा लगता है जो हमने सन 2003 में देखा था, जहां केसेस बढ़ते ही चले जा रहे थे और फिर अचानक केसेस का जैसे विस्फोट हो गया। हाल ही में हुआ नोवेल कोरोना वायरस विस्फोट 2002 के सार्स एपिडेमिक से काफी मिलता जुलता है। सालों पहले सार्स ने सारे इलाके को तबाह कर दिया था, 8,000 लोगों को प्रभावित किया था और 774 लोगों की जानें गई थीं। जब उसे पहली बार खोजा गया, चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने उसके सार्स होने से साफ मना कर दिया, जो 2002 का सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। इसके बाद की गई खोजबीन से पता चला कि ये महामारी कोरोना वायरस के कारण है, जिससे सार्स कोरोना वायरस की तुलना में 76% जेनेटिक समानताएं हैं। सिर्फ फर्क ये है कि सार्स की तुलना में ये कम जानलेवा है पर बहुत तेजी से फैलता है। हर एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित हुआ है उसे देख के ऐसा ही लगता है कि इसके पीछे 3 से 4 और लोग संक्रमित हुए होंगे। तो अगर आपको 6,000 लोग बीमार नजर आते हैं तो असलियत में कम से कम 20,000 से 30,000 लोग बीमार हो सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य अनुमान है क्योंकि ये आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। 2019 का कोरोना वायरस बिल्कुल अलग है क्योंकि वो बड़ी आसानी से हमारे बीच फैलता है और बीमार करता है। हमारे सिर्फ संपर्क में आने से या बात करने से ये बीमारी फैलने का डर लगा रहता है, जो सार्स में नहीं था। शुरुआती स्टडीज से ये पता चला है कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि संक्रमण होने के समय से संकेत और लक्षण दिखने तक तकरीबन 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। ऐसा लगता है कि मरीज दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं जब वो एसिम्प्टोमेटिक हो, मतलब जब उनमें बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई ना दे रहे हो। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन और माइल्ड इन्फेक्शंस तो हम देख ही रहे थे, अब हम ऐसे लोग भी देख रहे थे जो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान भी बीमारी फैला सकते थे। सार्स के बारे में हालात कुछ अलग थे, जिसमें संक्रमण की गति कम नजर आती थी। इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर लियांग हो नाम इस खतरनाक वायरस से भली भांति वाकिफ हैं। वो भी तो कुछ समय पहले एक सार्स पेशेंट थे। इस वायरस से वो 2003 में बीमार हुए थे जब वो एक महिला मरीज का इलाज कर रहे थे जो हांगकांग से हवाई सफर करके सिंगापुर आई थी। सार्स के मरीजों से बीमारी का खतरा शुरुआती 7 दिनों के बाद सबसे ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं बीमार हो जाता हूं और मैंने अपने आप पर पहले 7 दिनों में इलाज कर लिया तो मैं इस बीमारी को फैलने से रोकने में कारगर साबित हो सकता हूं। पर 2019 में आया नोवल कोरोना वायरस बिल्कुल अलग है। आप इसे सामान्य दिखने वाले लोगों में भी पा सकते हैं और ये चाइना के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने मान लिया था कि ये असिम्प्टोमैटिक व्यक्ति, जो व्यक्ति दिखने में सामान्य लगता है, वो भी दूसरों में ये बीमारी फैला सकता है और हमें 7 दिनों तक रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। जब वे लक्षण दिखने लगेंगे, बीमारी दिखे इससे पहले से ही फैलने लगती है। इससे वायरस को बड़े पैमाने में फैलने का मौका मिल जाता है।
और इसी कारण हम लोग वायरस का इतने बड़े पैमाने पे फैलाव देख रहे हैं, जो वाकई बहुत चिंताजनक है। कोरोना वायरस कई प्रकार के प्राणियों की प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे कैमल, कैटल, सिविट कैट्स और बैट्स। कभी कभी वायरस स्ट्रेन्स बदलते हैं और जानवर उसे इंसानों में फैलने लगते हैं। ये तरीका 2002 में आए सार्स में देखा गया था। 2012 में मध्य पूर्व के रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स में, और अब 2019 में नोवल कोरोना वायरस में। जैसे सोचा था वैसे ही बीमारी के फैलने का कारण सामने आया। उसके बाद वुहान का सी फूड मार्केट बंद कर दिया गया, जो कानूनी और गैर कानूनी व्यापार और अनोखे वन्य जीवों के सेवन का केंद्र था। पिंजरे कभी बदले नहीं जाते और गंदगी के कारण बीमारी फैलती है। ये खतरनाक वायरस के निर्माण की जगह बन जाती है, जो कि प्राणियों में फैलती है और दूसरे दिन मनुष्यों में, जो इन प्राणियों के ठीक संपर्क में आ जाते हैं। एक दिन सही बदलाव होगा जिससे मनुष्यों में रिसेप्टर सही बैठ जाएगा और इसके कारण एक मनुष्य में बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी। पर ऐसा कौन सा प्राणी या कौन सा रिजर्वॉयर था जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है, अब ये सब जानने में हमें कुछ और समय लगेगा। हमें सांस को समझने में भी कुछ वक्त लगा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो 10 महीने लगे थे, तो अब ये कुछ समय तक चलता रहेगा। हालात बहुत जल्दी बदल रहे हैं। इस वक्त वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं, बीमारों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए हमें बस मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि ये सार से भी भयानक हो सकता है। सामान्य लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? डॉक्टर्स और नर्सेस इससे कैसे निपट रहे हैं? हमारी नर्सेस ने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं चिंता करती रही और जब मेरी आंख खुली और मैंने खबरें देखी कि वुहान को बंद कर दिया गया है, तब मैंने उसी समय अपनी माँ को फोन लगाया। जिस पल मैंने उनसे बात करनी शुरू की, तब से वो बस रो ही रही थी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। ये 2020 जनवरी की बात है। चाइना में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के दर्ज हो रहे केसेस के आंकड़े बढ़ने लगे थे। अस्पताल इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की आशंका से भर्ती हुए लोगों से जूझ रहे थे। संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। नर्स होने के नाते हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। उस दिन हमने हमारी शिफ्ट पे कुछ भी खाया पिया नहीं था। पूरा दिन हम मरीजों की देखभाल कर रहे थे। सभी मेडिकल स्टाफ ने हमारी चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और हम रोज काम में जुट गए हैं। मैं खुद दिन में 10 से 12 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा हूं, पर हम डॉक्टर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लंबी शिफ्ट्स में काम करने के आदी हैं। इस समय तक नोवेल कोरोना वायरस के केसेस मुख्य केंद्र से दूर चाइना के मुख्य शहरों तक पहुंच गए थे। उत्तर में बीजिंग और दक्षिण में शेंचिन। चौचवे चुआंग शेंचिन के पीडियाट्रिक वार्ड में एक सीनियर नर्स हैं। जब उन्हें पहली बार इस महामारी के बारे में चेतावनी मिली, तो उन्होंने जल्दी से अपना नाम इन्फेक्शियस डिजीजेस डिपार्टमेंट में वॉलंटियर बनने के लिए दर्ज कराया। जबकि वो संक्रमण की बीमारी से लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, फिर भी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझी, उन लोगों को जो अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे लोगों की तादाद से उलझ रहे थे। क्योंकि उस दिन फीवर क्लिनिक में सिर्फ 3 ही नर्सेस थी, तो उन्हें अस्पताल की बाकी नर्सेस के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब उन्हें इस महामारी की जानकारी मिली, तब चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। कई अस्पताल के कर्मचारी छुट्टी पर चले गए थे, इसी कारण मेडिकल स्टाफ कम पड़ रहा था। और बस कुछ ही समय में ये गड़बड़ी उभर कर सामने आने लगी, जब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे।
लुनार न्यू ईयर के पहले दिन माहौल ठीक नहीं था क्योंकि काफी लोग इकट्ठा हुए थे और वे बहुत परेशान थे। उस दिन मेरी ड्यूटी सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक थी। उस दिन लगभग 100 से ज्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से सभी को इलाज की जरूरत नहीं थी, 80 पेशेंट्स को डॉक्टर से मिलने की जरूरत थी। पर जब 100 लोग आए थे तब उनमें से कुछ लोग डॉक्टर से क्यों नहीं मिले, क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे और उनमें इस बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं थे, पर फिर भी वो आए क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। वो बहुत दूर से आए थे, बसों में ट्रेनों में ट्रैवल करके आए थे, तो वो तसल्ली करना चाहते थे कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना हो गई हो और इसी कारण वो अपनी जाँच करवाना चाहते थे। अस्पताल की सुविधाएं बहुत ही कम पड़ने लगी थी। हमने चाइना और अस्पतालों में क्या चल रहा है इस बारे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और आरोग्य कर्मी होने के नाते मैं चाइना के आरोग्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वे मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे थे और उनके चेहरे पर थकावट साफ नजर आती है। मैं इन्हें अगले दिन और काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता। चो को कुछ भावुक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा जब एक स्थिति में उसे एक बच्चे को जिसे वायरस हुआ था उसके माता पिता से अलग करना पड़ा। उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए। वहाँ पर एक बच्चा था जिसके माता पिता वुहान से वापस आए थे। माता पिता में तो कोई लक्षण नजर नहीं आए, पर बच्चे को बुखार था। बच्चे को बुखार होने की वजह से और मुश्किल हालातों की वजह से हमने उसके माता पिता को वार्ड में ना रुकने की सलाह दी, इसलिए सिर्फ उसकी दादी बच्चे की देखभाल करती थी। माता पिता बहुत परेशान थे, हालात काफी नाजुक थे। उन्हें अलग करना भले ही अच्छा ना लगा हो, पर ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था। मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उस वक्त जो करना जरूरी था मैंने वही किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उन सभी को ये बीमारी हो जाती। 20 जनवरी को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब अधिकारियों ने वायरस से जूझने की नीति बदली। वायरस के मिलने के कई हफ्तों तक चाइनीज अधिकारी यही बताते रहे कि ये रहस्यमयी वायरस जानवरों तक ही सीमित है, लेकिन उस दिन आखिरकार चाइना के जाने माने और उम्दा एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चुंग नांगशान ने मानो बम ही गिरा दिया। टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इंसानों से इंसानों में इस जानलेवा वायरस के फैलने के केसेस मिलने का खुलासा किया। इससे चाइना में इस महामारी से जूझने का तरीका ही बदल गया। एक कठोर कार्यवाही के तहत चाइना ने वुहान शहर को, जिसकी आबादी 1,10,00,000 है, नजर कैद कर दिया। शहर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया। इसी तरह हुबे प्रोविंस को भी सील कर दिया गया, जिसमें कुछ 6 करोड़ लोग रहते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस इलाके में लोगों का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया है। चाइना के अंदर और बाहर के इलाकों में भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि लोगों पर सही नियंत्रण रहे, और उन्होंने चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां भी बढ़ा दी है। ऐसी परिस्थितियों में जहां महामारी फैली हो वहां डर और अफवाहों के फैलने से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए वक्त रहते जरूरी जानकारी देना सही साबित होता है। मुझे लगता है ये सही कदम था और ये सिर्फ चाइना में ही किया जा सकता है। फिर भी कई वुहान के लोग अपने परिवार के उन लोगों के भविष्य के लिए चिंतित हैं जो शहर में कैद पड़े हैं। 22 साल की लू वुयन इन्हीं में से एक है। वो पिछले 1 साल से बीजिंग में काम कर रही थी और अपने घर वुहान लौटकर चाइनीज न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाने की राह देख रही थी। पर घर वापसी का ये लंबा इंतजार इस खबर के आने पर टूट सा गया जब इंसान से इंसान में वायरस के फैलने की बात सामने आई। जब उसकी माँ ने फोन करके उसे वुहान आने से मना किया तो उसका दिल टूट गया। नए साल पर घर जाने का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर अपने परिवार जनों से 1 साल से दूर रहने के बाद। ये सब डॉक्टर जोंग नानशान के इंटरव्यू के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसानों से इंसानों में बीमारी फैल सकती है। इसके बाद मुझे माँ का फोन आया और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे लौटने से मना कर दिया और आखिरकार मैंने बीजिंग में ही रहने का फैसला किया। मुझे 29 जनवरी तक वुहान लौट जाना चाहिए था, पर उन्हें लगा इसमें बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी,
इसलिए मैंने सोचा कि बीजिंग में रहना सुरक्षित होगा। पहले मैं बीजिंग में रहना नहीं चाहती थी, मैं घर लौटना चाहती थी, पर मेरे परिवार ने सलाह दी कि बीजिंग में रहना ही ज्यादा सुरक्षित होगा, इसलिए मैं यहाँ से लौट कर नहीं गई, मैं यहीं रुक गई। उसने नया साल बीजिंग में अकेले मनाया, पर इससे उसके मन को सुकून नहीं मिला क्योंकि वो अपने माता पिता की सुरक्षा के बारे में ही सोचती रही। कम से कम दिन में 2 वीडियो चैट होते थे, दोपहर को और रात को खाने के समय पर, ये जानने के लिए कि वो क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि वो कहीं बाहर तो नहीं गए, उन्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली एक बुरे सपने से, क्योंकि मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, मैं चिंता करती रहती। और जब मैं तकरीबन 4 बजे उठी, मैंने शहर बंद करने की खबर सुनी, मैंने तुरंत माँ को फोन लगाया, मुझे वो फोन कॉल याद है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं बस रो ही रही थी, मैं रो रही थी क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। महामारी ने जरूर भयंकर रूप ले लिया होगा, तभी पूरा शहर बंद कर दिया गया है। उस वक्त मैंने मेरी माँ से पूछा, अब आगे क्या, क्या उनकी जरूरत का सामान उनके पास है? मैंने इंटरनेट पर देखा तो लोग कह रहे थे कि जल्दी से हवाई जहाज से शहर से निकलो। ये बताता है कि शहरों को बंद करने से पहले फैलाव कितना भयंकर और तेजी से हुआ होगा, और उसी वक्त में काफी लोग बीमार हुए थे, और जो चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए वुहान से बाहर जाने वाले थे। साथ ही साथ इसी बीच फैलाव और भी तेजी से होने लगा, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था। ये बहुत बेरहम और कल्पना से परे लगता है, पर जो किया वही सही था। जब 2002 में सार्स फैल गया था, तब पूरी दुनिया इससे अनजान थी कि ये वायरस कितना जानलेवा है और कितनी तेजी से फैल सकता है। आज 2019 के नोवेल कोरोना वायरस का तेजी से फैलना भी खतरे की घंटी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वुहान में रहस्यमय वायरस फैल जाने के बारे में 31 दिसंबर 2019 के कुछ ही दिनों बाद चेतावनी दे दी। इसके बाद सभी देशों ने इस वायरस को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी। सिंगापुर में उदाहरण के तौर पर वुहान से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग्स लगा दी गई। इस घटना के बाद चाइनीज और फॉरेनर्स जो अभी अभी चाइना घूम के आए थे, उन पर रोक लगा दी गई। आज लगभग हर खंड के देशों ने इसी तरह के कदम उठाते हुए उनकी सीमाएं चाइना से आने वाले यात्रियों के लिए बंद कर दी हैं, क्योंकि चाइना के बाहर भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही थी। नोवेल कोरोना वायरस के 45,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेस लगभग 25 अलग अलग देशों में और प्रदेशों में पाए गए हैं। वैसे तो कई मुश्किलें हैं, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है दुनिया भर में हो रही यात्रा, क्योंकि पता है अगर आप ये कहेंगे कि लोगों को चाइना से आने ना दिया जाए, तो फिर भी चाइना के बाहर भी इस बीमारी के शिकार हो चुके लोग हैं, और ये लोग अब भी सभी जगह घूम रहे हैं, और इसीलिए खतरा अब भी बना है। जहां बहुत से सामान्य दिखने वाले लोग दुनिया भर में हैं, वहां खतरा दिखाई नहीं देता और उनसे बीमारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब ये कितना संक्रामक है और फैल सकता है, ये हमें नहीं पता है। सार्स की यादें एशिया के 2 शहरों पर अपना दुख भरा साया छोड़ गई हैं, हांगकांग और सिंगापुर। इन दोनों ने ही मेनलैंड चाइना के बाहर इस बीमारी की सबसे ज्यादा मार झेली है। हांगकांग में 299 जाने गई और सिंगापुर में 33। पर इस दुख भरे अनुभव ने हम लोगों को ऐसे खतरनाक वायरस से निपटने के लिए और सक्षम बना दिया। हांगकांग वासी कमाल के थे। हांगकांग की नर्स प्रशासकों को पता था कि क्या करना चाहिए, वे हिचकिचाए नहीं, उन्होंने स्कूल्स को बंद किया और हर जगह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सिंगापुर में, जहां मुझे ऐसी बीमारियों के बारे में तुरंत पता चल जाता है, हमारे यहां हर साल सार्स जैसे वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एनुअल ड्रिल्स होती हैं। हम यहां इसकी तैयारी पिछले 16 साल से करते आ रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि हम 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के लिए तैयार हैं। आप देख सकेंगे कि किताबें और कई सारे प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, क्या करें अगर ऐसा हुआ तो, क्या करें अगर आप नहीं हो तो,
इलाकों की पहचान कैसी की जाए, लोगों को आराम करने के लिए कहाँ रखा जाए, हमें अतिरिक्त कर्मचारी कहाँ से मिल पाएंगे, स्कूलों का क्या होगा जब वो बंद हो जाएंगे, क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा, काम के लिए ज्यादा लोग कहाँ से आ पाएंगे, इन सारे सवालों के जवाब बीमारी फैलने से पहले ही तैयार रखे हैं। डॉक्टर यू चीजियन यूनियन हॉस्पिटल शेंजन के इंफेक्शियस डिजीजेस डिपार्टमेंट में चीफ फिजिशियन है। जब उन्होंने इस रहस्यमय वायरस के बारे में पहली बार सुना तो वो हैरान हो गए। मेरे सहयोगी और मैं ऑफिस में थे और हमने वी चैट पर इस बीमारी के बारे में पढ़ा। हमें पहले आश्चर्य हुआ और उस समय मुझे लगा कि ये कोई मामूली सी बीमारी होगी। हमें लगा नहीं था कि ये इस कदर फैल जाएगी। हम वाकई में इस बीमारी को लेकर बहुत हैरान हो गए। तब उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई और दूसरे विभागों से सहयोगियों को बतौर वॉलंटियर नियुक्त कर दिया। हाँ, मैं रिस्पांस टीम का सदस्य हूँ, मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ। इस बीमारी से निपटने के लिए सिर्फ छोटे छोटे क्लिनिक्स काफी नहीं रहेंगे जो सिर्फ बुखार का इलाज करते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को देखते हैं। हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए। डॉक्टर यू द्वारा एक और इनोवेटिव स्ट्रेटजी बनाई गई और वो थी टेलीमेडिसिन यूनिट का निर्माण। इसके पीछे कल्पना ये थी कि उन लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो बीमार हैं या नहीं, साथ ही साथ अस्पताल के कर्मचारियों का बोझ भी हल्का हो सकता था। हमने जरूरत को देखते हुए एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सर्विस के तहत हम हमारे मरीजों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। कल के एक दिन में ही 1600 लोगों ने हमसे बातचीत की। ये नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मरीजों के लिए बेहतर साबित हो रहा है और इससे लोगों के मन में कोरोना वायरस के बारे में जो भी आशंकाएं हैं उसे दूर करने में मदद मिल रही है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बहुत सारे मरीज अस्पताल में चले आए थे, उनकी जांच कर रहे डॉक्टरों पर भी खामखा दबाव बहुत बढ़ रहा था। मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से डॉक्टर भी काफी प्रेशर में थे। इसी हालत को देखकर हमने जल्द से जल्द इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। क्योंकि यह तरीका सुविधाजनक था, हम इंटरनेट से या अपने मोबाइल फोन से भी जवाब दे सकते थे, जिससे हम हमारे फोन से कभी भी कहीं भी जवाब दे सकते थे, तब भी जब हमारी छुट्टी हो गई हो या हम खाना खाने गए हो। शाम को हम जब 6 बजे काम से निकल जाते हैं तब हम घर पर जाकर भी मोबाइल फोन से सवालों के जवाब दे सकते हैं। सच कहें तो आजकल हम रात को 9 से 10 बजे तक काम कर रहे हैं। ऑफिशियल कंसल्टेशन 10 बजे बंद हो जाता है, पर अगर हम फ्री हैं तो हम 10 बजे के बाद आधी रात तक भी जवाब देते रहते हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। चो चुए चोंग को असिस्टेंट होने पर गर्व है। इस पीडियाट्रिक नर्स ने वॉलंटियर बनके इमरजेंसी ट्रेनिंग ली ताकि वो उन मरीजों की देखभाल कर सके जो इस न्यूमोनिया जैसे वायरस से पीड़ित हैं। ट्रेनिंग तो अच्छी है, मैं पीडियाट्रिक्स वार्ड में नर्स हूँ, पर मैंने इस नए तरह के न्यूमोनिया की कम से कम 8 ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। मैं नए साल के शुरू होने से पहले से लेके अब तक लगातार इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस ले रही हूँ। मैं बचाव की मेथड्स पर कई बार ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। अस्पताल इन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट ना हो। चाइना के जल्द इलाज कराने और रोकथाम के लिए हो रहे लगातार प्रयासों में शामिल है वुहान में बन रहे 2 नए अस्पताल। वो सिर्फ 2 हफ्तों में बनकर तैयार हुए। अधिकारियों ने हजारों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी पर से वापस बुला लिया। तनख्वाह दुगनी और तिगनी कर दी गई और वो बिना घड़ी देखे 2 अस्पताल बनाने का काम करने लगे जिसमें 2500 बेड की व्यवस्था थी। फिर भी कई चुनौतियां थीं। इन सारे रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों के पीछे एक सोच थी जिसे डॉक्टर्स पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के नोक पर वो व्यक्ति होता है जिसे हम सिम्टोमेटिक कहते हैं और फिर पिरामिड के निचले हिस्से में वो लोग होते हैं जिन्हें हम यूं कहिए लेस सिम्टोमेटिक कहते हैं और फिर आपके पास ये बहुत बड़ा हिस्सा पिरामिड के तल में एसिम्टोमेटिक का होता है। ये जानने के लिए आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे, आपको पिरामिड कितना बड़ा है ये जानना जरूरी है। पर यदि आप अगर आइसबर्ग के ऊपरी नोक पर ध्यान दे रहे हैं तो आप जो उसके नीचे है उससे धोखा खा सकते हैं।
मेडिकल साइंस से हमें ये शिक्षा मिली है कि कम साधनों के तहत सिर्फ उनका इलाज हो सकता है जो बहुत ही बीमार हैं। जो बहुत ही बीमार हैं और अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं वो असल में पिरामिड के नोक पर हैं, और हम फिलहाल यही 10-20% पेशेंट्स को देख रहे हैं और बाकी के 80% को हम देख भी नहीं रहे, इलाज नहीं कर रहे, हम उन्हें अलग नहीं रख रहे, उल्टा हम उन्हें वापस भीड़ में भेज रहे हैं जहां वो औरों को फिर से संक्रमित कर सकते हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। जो हम देख नहीं पा रहे हैं ऐसा पिरामिड का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जो आसानी से दिख रहे हिस्से से 40 गुना बड़ा हो सकता है। ये सभी वायरस फैलाने वाली चलती फिरती दुकान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नोवल कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी मान लेने के बाद देश के अंदर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगी। वुहान आने और जाने वाली सभी उड़ानें और बड़ा हुबे इलाका बंद कर दिया गया और लोगों को भी चाइना में जरूरत न होने पर यात्रा न करने की सलाह दी गई। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, टर्की और यूएस जैसे देशों में अपने अपने नागरिकों को वुहान से वापस लाने की होड़ मच गई, क्योंकि चाइना इस बीमारी को काबू में लाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। क्या चाइना को इस बीमारी के लिए दोषी ठहराना सही होगा? 2003 के सार्स महामारी के दौरान भी सरकारों को 4 महीने लग गए दुनिया को इस संकट के भयानक रूप के बारे में बताने के लिए। बाद में उन पर जानकारी रोकने और छिपाने के आरोप भी लगे। अभी आए संक्रमण में भी सरकारों को ये जानकारी देने में लगभग 1 महीना लगा, जबकि पहला केस 8 दिसंबर 2019 में ही दर्ज हुआ था। 12 जनवरी तक चाइनीज साइंटिस्ट्स ने इस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस का नाम दे दिया था, जो सार्स जैसा लगता है। तब से सरकार की तरफ से इसके नियंत्रण और इसे फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। चाइनीज सरकार ने अंदरूनी आवाजाही पर रोक लगा दी। चाइना के अंदर और बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन है और इस वजह से लोगों की भीड़ पर काबू पा लिया गया है, जिससे कम से कम बीमारी फैलेगी नहीं। और साथ ही साथ चाइनीज सरकार ने न्यू ईयर की छुट्टियों का समय भी बढ़ा दिया है और इन सब चीजों की वजह से थोड़ी सी आशाएं बढ़ गई हैं। कुछ अच्छी घटनाएं हैं जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ठोस उपाय निकाले हैं। मुझे लगता है हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा, जो भी उभर रही है या जो बीमारी फैल रही है इसकी परिस्थिति को समझना होगा और किस हालात में ये वायरस इंसानों से आगे निकल गया ये भी समझना होगा। आखिर हमसे कहां गलती हो गई? हम वन्य जीवन और मानवीय समुदाय को साथ लाने की घटना क्यों घटने दे रहे हैं? हमें इससे बचना चाहिए। और जिस तेजी से नोवेल कोरोना वायरस फैल रहा है वैसे वैसे डर बढ़ रहा है कि जानलेवा पैथोजेंस या वायरसेस बदलेंगे और फैलेंगे और ज्यादा जाने लेने के लिए। नोवेल कोरोना वायरस के पहले केस मिलने से अब तक 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। चाइना के ज्यादातर चहल पहल वाले शहरों के रास्ते ज्यादातर शांत और सुनसान हैं। ऐसा नजारा दिखना अब देश में आम बात हो गई है। जानलेवा कोरोना वायरस के फैलाव के बढ़ते डर ने भीड़ भाड़ भरे इलाकों को भूतिया जगहों में बदल दिया है। बहुत से लोग अपने घर के अंदर छिपकर बैठे हुए हैं। पार्क्स और मनोरंजन की जगहें बंद कर दी गई हैं। मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, ज्यादा बाहर नहीं निकलती। लियू की बातें मानो चाइना के आम लोगों का कहना है। वायरस के फैलने के डर से इन लोगों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमना फिरना बंद कर दिया है। सच कहूं तो मैं बाहर गई ही नहीं हूं, इसलिए मुझे पता नहीं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था तो उन्होंने कहा था कि वुहान की भाषा का प्रयोग बीजिंग में ना करें। जब भी मुझे फोन करो तो वुहान की भाषा में बात मत करना, हो सकता है वहाँ से गुजरने वाले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। वो काफी परेशान है उसके दोस्त और माता पिता की परिस्थिति देखकर। सभी जगहों से आश्वस्त कर दिए जाने के बावजूद उन्हें ये बात पता है कि वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जिससे इस बर्बाद कर देने वाले वायरस से अपने आप को बचाया जा सके।
मुझे लगता है वो काफी परेशान है, पर माता पिता होने की वजह से वो इस बात को मुझसे जाहिर नहीं कर रहे। मेरी घबराहट और चिंता मेरे दोस्तों के कारण बढ़ जाती है। उनमें से कुछ लोगों की अभी अभी नौकरी लगी होगी और वो जल्दी घर चले गए होंगे, इसलिए वो अभी भी वुहान में ही होंगे पढ़ाई या काम के सिलसिले में। इस वजह से हमारी बात सीधी और सच्ची होती है। वो मुझे बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वहाँ बहुत ही निराशा और चिंता का माहौल है। वहाँ उन्हें टैक्सी तक नहीं मिल रही। पर मेरे माता पिता की बात करें तो वो हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मैं सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती। सच्चाई ये है कि डर का माहौल वुहान के हर घर में फैला हुआ है। अधिकारियों के वायरस की रोकथाम के लिए की गई लाख कोशिशों के बावजूद मौत के आंकड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बीच साइंटिस्ट की टीम वक्त के साथ चल रही इस दौड़ में एक वैक्सीन की खोज कर रही है जो इससे लड़े और बीमारी को फैलने से रोके। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे जल्दी ही इसकी वैक्सीन बनाई जा सके? अभी आए नोवल कोरोना वायरस की एक अच्छी बात ये है कि हम हमारे पास उपलब्ध सार्स कोरोना वायरस वैक्सीन के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और सभी सिद्धांतों का 2019 नोवल कोरोना वायरस पर प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्हें बस अब इतना ही करना है कि उसे डिजाइन करना है। डिजाइन करना तुलना में आसान है। इसे बढ़ाओ, बढ़ाते समय बताओ कि वैक्सीन वही काम करेगी जिस काम के लिए वो बनी है। फिर इसके हजारों में प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे ताकि ये सभी लोगों को एक बड़ी संख्या में दिया जा सके। पर बुरी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने और बनाने में महीनों तक लग सकते हैं। वैक्सीन को उपयोग में लाने से पहले इसे कई क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा ताकि ये वक्त रहते बीमारी का फैलाव रोकने के काम आए। इसे आसानी से 9 से 12 महीने लग सकते हैं। हालांकि अभी भी वैक्सीन उपलब्ध है, इस समय भी है, पर भारी मात्रा में इसे बनाने के लिए कई महीनों का समय लग सकता है। हम लाखों करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं। चाइना के, पूरे एशिया के और पूरी दुनिया के लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए, और इसमें समय तो लगेगा ही। इसी बीच आसानी से मिलने वाली वैक्सीन न होने के कारण तुरंत ही बचाव करने वाले उपाय जोर शोर से लागू करने होंगे। चाइना ने तब से अपने लोकप्रिय जानवरों के व्यापार पर रोक लगा दी है जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी से भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि ये रोक हमेशा के लिए कायम कर दी जाए। मुझे लगता है ये कुछ कुछ जो सास के समय हुआ वैसा ही है, क्योंकि वन्य जीवों के व्यापार को देखिए तो पता है अगर तभी काफी चीजें कर दी गई होती 15 से ज्यादा 17 साल पहले, शायद, जाने दीजिए, हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं। इंसान और जानवर साथ साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। इस तरह के वायरस वन्य जीवों में पनपते हैं। आप इंसान और वन्य जीवों को साथ लाने जैसी परिस्थितियां निर्माण करेंगे तो ऐसी स्थितियों में लंबे समय तक ये बात चलती रहेगी। और मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि हम नसीब को आजमा रहे हैं। हम वो हर चीज खाते हैं जो उड़ती है, तैरती है या रेंगती है, और जब आप इन प्राणियों को अपने डाइनिंग टेबल पर लाते हैं तब हम उनके साथ वायरस को भी न्योता देते हैं। हो सकता है आप खाना खाते समय ना देख पाते हो क्योंकि वो पकाते समय नष्ट हो जाते हैं, पर खाना बनाते समय खाना पकाने वाला, प्राणी लाने वाला, वो मार्केट जहां से प्राणी बिकते हैं, ये सब इस वायरस के रडार पर आ जाते हैं। हमने बिल्कुल यही देखा जब सार्स 2003 में आया था। 2003 में उन्हें पता चला था कि प्राणी रखने वालों में सार्स का फैलाव हो गया था। असली सार्स आने से पहले ही ये एक तरह से जन्म ले चुका था, जैसे उन्होंने सार्स के लिए रोग प्रतिकार शक्ति बना ली हो। और इसे रोकने का एक उपाय ये है जो चाइना की सरकार ने कर दिया है, वो है वन्य जीवों को खाने में शामिल ना करना। शायद हमें हमारे खानपान के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। पर जैसे जैसे वायरस को काबू में लाने का ये युद्ध बढ़ेगा, और भी अनजान सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब हमें देने होंगे।
उदाहरण के लिए वायरस कितना जानलेवा है, ये कहाँ पैदा हुआ है, ये कैसे फैलता है, ये बड़ी तेजी से चाइना में फैल रहा कोरोना वायरस क्या भयानक महामारी का रूप ले लेगा। वास्तविकता ये है कि अब तक इस वायरस ने 1200 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली हैं। मौत के आंकड़े सार्स को भी पार कर गए हैं। मरने वालों की संख्या और बहुत ही कम समय में पुष्टि किए गए केसेस इन दोनों ही मामलों में। पर अब भी उम्मीद कायम है कि बुरा वक्त गुजर जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि ये कैसे और कब तक होगा। नोवेल कोरोना वायरस से चल रहे इस युद्ध में जो आमने सामने लड़ रहे हैं, इन्हें बीमारी का खतरा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बीमार लोगों की संख्या भी ज्यादा है। फिर भी चो जैसी नर्स को यकीन है कि चाइना बाजी पलट देगा और इस युद्ध में इसकी जीत होगी, आज नहीं तो कल। मुझे यकीन है क्योंकि रोकथाम के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल हर कोई पब्लिक प्लेस पर जाते वक्त मास्क पहन रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुपरमार्केट्स और कम्युनिटीज शामिल हैं। ये वायरस के फैलने को रोक देता है। मुझे लगता है कि ये काफी है और काफी लोग घर पर भी बैठे हैं, अपने आप को अलग रखे हुए हैं। कई पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स और मनोरंजन की जगहें बंद हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो मुझे काफी यकीन है। वुहान का स्थानिक नागरिक होने के नाते हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और शहर को बंद करने में भी कोई कमी नहीं रखी। बाकी शहरों में, जैसे मैं जानती हूँ कि हैनन में वो महामारी को काबू में लाने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने रोकथाम के अच्छे उपाय किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कि ये लड़ाई हम हर हाल में जीत कर रहेंगे। आगे चलकर जब हालात ठीक हो जाएंगे तब काफी विचार करना होगा। ऐसा लगता है कि जब तक इंसान जानवरों के करीब आते रहेंगे तब तक भविष्य में ऐसी बीमारी के फैलने के आसार बनते रहेंगे। पिछले दिसंबर में जब से चाइना में इस वायरस ने हड़कंप मचा दिया है, किसी को ये पता नहीं कि ये दौर कब गुजरेगा और हालात काबू में कब आएंगे। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। अगर हालात में सुधार आया तो केसेस की संख्या गिरनी शुरू हो जाएगी, पर मैंने ये देखा नहीं है। इस बारे में तभी बात कर सकते हैं जब ये होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम अब भी केसेस आते हुए देख रहे हैं और साथ ही मौतें भी। पता है ये केसेस भी ज्यादा हैं, इसलिए जब तक ये आंकड़े गिर नहीं जाते हम बता नहीं सकते कि इस इलाके का क्या हाल होगा। ये सब कुछ समय तक चलता रहेगा। हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर से चल पड़ेंगे और इस दरमियान हमारे कुछ योद्धा, रिश्तेदार और करीबी लोगों को खो देंगे। पर दुनिया और भी ताकतवर बनकर खड़ी होगी, दुनिया और भी बेहतर बनेगी। हम उन लोगों को याद करेंगे जो ये लड़ाई हार गए, और उनकी याद में हम ये परिस्थितियां फिर से दोहराने नहीं देंगे।